और नई नई दुल्हन बढ़िया से खाओ। हाँ जेरी कहाँ है? अरे कौन है ये? अरे कौन है ये? अरे एकदम बढ़िया यार, मस्त लग रही हो। अरे भैया बढ़िया से खा लेना, ठीक है भाई लोग? बढ़िया से चिकन लेग पीस। रहा नहीं जा रहे? मैं ये तीन बार फिनिश कर दूं। तीन बार में फिनिश ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह उठे हैं, सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया। मंजिता एकदम लास्ट में कर रही है, एक्चुअली लास्ट में तो मैं ही हूँ, अभी तक किया नहीं मैं। अभी अभी खाऊंगा मैं। यहाँ पे ये मछली का रोस्ट एक टुकड़ा सा रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने पकाया है क्या कहते हैं बोटल गार्ड यानी कि लौकी, लौकी की सब्जी दोस्तों, लौकी बॉयल। तो इसके साथ में खाऊंगा रोटी, आज ब्रेकफास्ट में रोटी। ये देखिए यहाँ पे रेडी है रोटी। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया दोस्तों एंड अभी देखो दीदी और जेरी जाएंगे नामसाई, जो सामान हम लोगों ने रेडी किया था कल ये ईटानगर में भेजने के लिए, तो वो सारा सामान पहुंचाने जाएंगे। एक्चुअली मैं भी जाने वाला था लेकिन बारिश भाई थोड़ा रिस्क है, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, दीदी और जेरी जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सामान है, ये जो है टाइसन और उसकी बहन उसकी दीदी के लिए, और ये बापी दीदी के जो भी बच्चे हैं तीनों के लिए, और यहाँ पे ट्रेडिशनल स्वीट। तो अभी ये लोग रेडी हो रहे हैं, दीदी को देखो काजल लाजल लगा रही है जाने के लिए। रेडी हो गई? हाँ हो गई। वाह, रेनकोट लगा के। हाँ रेनकोट, सेफ्टी फर्स्ट, पेंट भी लगा लेना, रेनकोट का पेंट। हाँ लगाएगा, हाँ डिवाइड कर लो। नहीं है तो एक ही ड्रेस है वो भी आपका। यहाँ पे देखो दोनों बहनें खेल रही है और साथ में बुज्जे भी बैठा हुआ है इन लोग के। अरे क्या खेल रही हो? बाप रे क्या क्या चटनी बना रहे हैं देखो। हम लोग बचपन में बीजू वाला फाजन तो है ये। वाह बचपन में हम लोग भी ऐसे खेलते थे। और बुज्जे भी को देखो, बुज्जे भी पूरा साइज में ऑडियंस बुज्जे ना। मिर्ची, वाह। और ये क्या चटनी है? ये चटनी नहीं है, ये चावल है। चावल है। ओ और ये फाजंदन है। ओ और ये क्या है? ये हाँ ये क्या है? दूसरा वाली है। दूसरा चटनी। और उधर में एक दिखाई दे रहा है, वो क्या है? हाँ ये क्या है? ये? साग है क्या? हाँ। तो सबसे मस्त जिंदगी जो होती है वो बच्चों वाली होती है ना, खास हम भी हमेशा के लिए बच्चे रह पाते, क्या ही मस्त जिंदगी होती है। कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब कुछ नहीं, मतलब ऐसे दिन भर खेलो कूदो, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। बस एक टेंशन होती थी पढ़ाई को लेके, होमवर्क वगैरह जब शाम होती थी घर वाले भी पढ़ाई करने के लिए मजबूर करते थे, वही थोड़ा सा डर रहता था टेंशन, बाकी सब तो मस्त एकदम। तो अब एक्चुअली इतना लेक्चर मारते हुए जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए। यहाँ पे जेरी नामसाई जाने से पहले मेरे लिए पानी निकाल रही है, क्योंकि मैं अभी तक ट्यूबवेल से पानी नहीं निकाल पाता हूँ। अभी बहुत जल्द मोटर लगाने वाला हूँ, ठीक है? और यहाँ पे पानी ज्यादा तो नहीं चाहिए, एक बल्टी होने चाहिए, काफी है उसका। तुम लोग चले जाना और जल्दी वापस आ जाना। पानी तो फुल हो चुका है दोस्तों, जेरी गई है अभी, और मैं यहाँ बैठे बैठे मतलब थोड़ा देर कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, और भाई मेरे को इतनी हंसी आ रही है। कल का जो वीडियो है, कल का जो ब्लॉग था, उसमें मैंने फ्रॉक खाया हुआ था, तो वो सब ब्लॉग डाला था। तो ये जो है हमारे घर में कॉमन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को फर्स्ट टाइम देख के भाई छी छी उल्टी, और मुझे इतना मतलब हंसी आ रही है। एक ही स्टेज के दो 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 तीन तीन कमेंट आ रहे हैं। देखो कोई कह रहा है मैं आसाम से हूँ और हमारे इधर में फ्रॉक नहीं खाया जाता, और उसी के नीचे एक कमेंट कर रहा है कि अरे मैं आसाम से हूँ, हम बहुत खाते हैं, बहुत टेस्टी है। सेम त्रिपुरा में भी, त्रिपुरा से भी कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि छी 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 नहीं खाते हम यहाँ, और चार पांच कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि हम बहुत खाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं, जो यूपी बिहार झारखंड उस साइड से, थोड़ा सा मतलब वो लोग नहीं खाते हैं कुछ, तो उतना बुरा भी नहीं कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम अपना आपका ट्रेडिशन को मतलब रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते, बहुत घिन लगे। वो मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि आप जो चीज़ नहीं खाते उसे देखना बहुत ही डिस्टर्बिंग हो सकता है, बट हमारे लिए कॉमन है। और हाँ ये ओडिशा से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ओडिशा में भी खाते हैं, तो मुझे पता नहीं था, आज पता चला है कमेंट सेक्शन में देख के, ओडिशा में बहुत खाया जाता है। तो यही है मतलब लाइफ में, मतलब किसका खान पान कैसा है ये तो कुछ भी नहीं। आप चाइना जाओ, वियतनाम जाओ, वहाँ पे तो और भी कीड़े मकोड़े, जिसे देख के हम भी हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो मतलब खाते। और हाँ जो ऑक्टोपस वगैरह ये सब है, वो सब भी हमारे लिए बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन शहरों में खाते हैं लोग, हम देखते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में भी बेचे जाते हैं, वो सब हमारे लिए अजीब सा एकदम फील है। यही है खान पान हर दूसरे का, यही है हमारा इंडिया, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान। इसमें अलग अलग वैरायटी, अलग अलग डाइवर्सिटी, कल्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पूरा इंडिया को घूमिए, स्पेशली आप नॉर्थ ईस्ट में बहुत
तरह के अलग अलग ऐसे अजीबोगरीब आप ट्रेडिशन आप देख सकते हो। इसलिए कभी भी आप पूरे भारत का टूर अगर करना चाहते हो तो आप नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल भी मत भूलिए, नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। इसमें आपको अलग अलग ट्रेडिशन मिलेंगे आपको, जो कि आज तक हमने भी अभी तक नहीं देखे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जब मेरा सर्जरी अच्छे से मैं रिकवर हो पाऊंगा मेरे सर्जरी से, तो मैं पूरा घूमूंगा। इसलिए मैंने इसी मकसद से मैंने बाइक लिया था कि मैं पूरा भारत घूम पाऊँ, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या अजीबोगरीब ट्रेडिशन है वो दिखाने के लिए आप सभी को। तो आई होप आप लोग समझ सकते हो। फिलहाल मैं नहाता हूँ, तो अभी नहाने के बाद फ्रेश होंगे, उसके बाद जेरी लोग वापस आएंगे, उसके बाद जाएंगे हम अजमेर के उधर में, ईद में इनविटेशन मिला है वहाँ पे लंच करेंगे। तो अभी मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ दोस्तों, और हीरो बन चुका, और ये चश्मा लगाया हूँ। ये चश्मा जो है बहुत ही खास चश्मा है, क्योंकि ये जो है जेरी के हाथों भेजा है मेरे एक सब्सक्राइबर भैया ने तेजू से, जो कि एक स्टोर ओन करते हैं, और ये बहुत ही महंगा है यार। मैं तो अपने लाइफ में इतना महंगा चश्मा कभी नहीं पहना। अभी आप लोग को प्राइस दिखाता हूँ, ये देखिए कितना है, आप लोग देख सकते हैं खुद अपनी आंखों से। यहाँ पे लिखा हुआ है 3799 रुपीस, लगभग 4000 रुपये का चश्मा। भाई साहब इतना महंगा क्यों यार, एक चश्मे का इतना महंगा क्यों? बट एनीवे थैंक यू वेरी मच भैया इतना महंगा चश्मा देने के लिए। बहुत खूबसूरत भी है, प्रीमियम भी है। लाइफ में पहली बार इतना महंगा वाला मैं लगा रहा हूँ, और आज ये लगा के अजमेर ब्रो के उधर में मैं लंच करने के लिए जाऊँगा। बितुल भैया को कॉल किया हूँ, बितुल भैया अभी आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, तो वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि जेरी और दीदी गए हैं नमसाई, तो वो लोग जैसे वापस आएंगे वो लोग भी उधर अजमेर के उधर में जाएंगे। और यहाँ पे देखो हमारा बितुल जमाई भैया पहुँच चुके हैं। वाह हैंडसम लग रहा है दे, वाह हेयर कट भी बढ़िया। चलो अभी चलते हैं, पूरा रेडी हो गए हैं। सच में हैंडसम है यार, हेयर कट पूरा हैंडसम लग रहा है। तो पहले खाता किया था, उसके बाद कॉपी किया है। तो अभी जा रहे हैं अजमेर ब्रो के घर, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या बनाया है वो लोगों ने। मैं ज्यादा तेल मसाले वाले तो नहीं खा सकता, बट देख लेते हैं जो भी हो। इनवाइट किया तो जाना ही है, सिर्फ खाने के लिए तो नहीं, भाईचारा के लिए, दोस्ती के लिए तो जाना बनता है। पहुंच गए दोस्तों नदी में, पूरा लोकल ऑर्गेनिक ब्रिज है ना, इसे क्रॉस करना है, ट्रेडिशनल वाला। आप आगे आगे जाइए, मैं स्लोली स्लोली आता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ के नदियाँ पूरा क्रिस्टल क्लियर, देखिए भाई। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अजमेर ब्रो के घर पे। वाह क्या मस्त लग रहे हो यार, शुक्रिया। और सब तुम्हारे जितने भी फैंस हैं तुमको ईद मुबारक। हाँ ईद मुबारक यार, मैं भी अभी हम लोग तो गले तो मिल चुके हैं, फिर भी और एक बार छह बार, तीन बार, वही पहले तीन बार हम लोग मिलाए, फिर से तीन बार, तो छह बार। और अभी ये अपना भांजी को लेने जाएगा, मेरा भांजी को, जाओ लेके आओ, संभाल के लेके आना, थोड़ा ये रास्ता में जंपिंग वम्पिंग होने से स्लो ड्राइव करना। ठीक है, और पहुंचाने के लिए थैंक यू। चलो ठीक है, तो अभी हम बैठ के थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे दोस्तों। और यहाँ पे कौन कौन पहुंच चुका है, देखो भैया भी पहुंच चुके हैं। और कहाँ से आ रहे हो भाई? हम आ रहे हैं आरीबाड़ी से। अच्छा आरीबाड़ी से आ रहे हैं। ईद मुबारक, पहली बार आए हो हमारे घर पे, स्वागत है। अरे बकरी इसको मार रहे। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे दो दोस्त और मिल गए हैं, प्रीतम एंड जेम्स। तो ये हमारे इंस्टाग्राम के हीरो है, तो बहुत अभी तक हम देखते थे अपना फोन पे, लेकिन आज हकीकत पे मिल लिया, तो वेलकम। अरे हम भी आपका बहुत बड़ा फैन है, आपके वीडियोस देखता हूँ, फनी वीडियोस आप बहुत बढ़िया से बनाते हो। आ रहे वो लोग भी आ रहे हैं नमसाई से ऑन द वे। और ये तो एज यूजुअल पूरा हैंडसम लग रहा है, काफी लंबा है, बैग भी लंबा है, सब कुछ लंबा है, और दाढ़ी भी लंबा है ना। इसको क्या हो गया, इसको मार रहे बार बार, मारो और मारो और मारो। अरे भैया बढ़िया से खा लेना, ठीक है भाई लोग, बढ़िया से चिकन लेग पीस खा लो बढ़िया से। हम लोग तो अभी नहीं खाएंगे, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। ब्लॉगर पार्टी, ब्लॉगर डिपार्टमेंट, क्या दिखा रहे हैं ये? ओ अजमेर का क्लिप, ब्यूटीफुल वाला ड्रेस। अच्छा तो अभी अजमेर ब्रो की तरफ से आया था यहाँ पे सेवई, बिल्कुल कलरफुल वाला सेवई। तो मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि इसमें दूध मिला हुआ है, तो मेरा गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पे जो नमकीन है एक काफी है मेरे लिए बस। ये खा सकते हो ना, ये वो मीठा गुलाब जामुन, क्या से बनता है वो? ये
मैदा अच्छा मैदा होने से तो खा सकेगा जल्दी एक बार में खत्म कर दिया खत्म फिनिश कर दो हाँ धीरे धीरे नहीं एकदम फास्ट फिनिश कर दो बढ़िया तो हम एक गुलाब जामुन भी टेस्ट करके देख लेते हैं दोस्तों देखिए मैदा से बनता है बोले टेस्टी तो है एक टेस्ट करके देखो बहुत बढ़िया है एकदम फिनिश अरे आपका तो एक बार में 10 जाएगा मुंह में ना अभी हम लोग का खाने का बारी है दोस्तों तो यहाँ पे आ चुका है पुलाव कहते हैं मैं तो पहली बार खा रहा हूँ बिल्कुल बिरयानी की तरह ही लग रहा है मुझे तो ये पुलाव बिल्कुल सेम सेम और यहाँ पे अजमन ब्रो आज ये बन गया रहा नहीं जा रहे मैं ये तीन बार में फिनिश ना ये है पुलाव ये है चिकन मैं चिकन नहीं खाऊंगा दोस्तों मैं बस ये सलाद के साथ खाऊंगा और बढ़िया से खा लो मेरे लिए स्पेशल दाल आ चुका है दोस्तों दाल वही तो क्या हो गया और सलाद आ चुका है सलाद बहुत बढ़िया तो अभी खा रहे हैं हम सभी लोग फिनिश कर दिया मैं तो फिनिश हो गया मेरा हां कर दो फिनिश कर दो तो अभी हम थोड़ा सा दाल ले लेते हैं दोस्तों दाल और सलाद के साथ बढ़िया ये मिर्च नहीं खाऊंगा मैं बहुत दिनों के बाद दाल खा रहा हूं दोस्तों मैं फिनिश मरखानली फिनिश तो बात करते वक्त में बाप रे क्या ला मेरे लिए तो ये काफी है मैं पूरा आजकल पतलू मैन बन गया अरे भाई साहब ये मेरे सामने क्यों लाते हैं यार मुंह में पानी आ जाता है यार अरे दूर लेके जाओ अकेले खाने के लिए अरे ये भाई साहब को दे दो अरे देखो सामने में लेके आ गया देखो थर्ड राउंड है मेरा ये थर्ड राउंड अरे बाप रे आपका कितना राउंड मेरा सेकंड राउंड और आपका सेकंड आप सबका अभी तो फर्स्ट राउंड चल रहा है फर्स्ट राउंड ये देखो सिमिलर यहाँ पे मैं पटलू मैन फर्स्ट राउंड भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक अभी धीरे धीरे फिर से अरे खाओ मेरे हिस्से का भी खा देना ठीक पूरा टेबल खाली कर दिया देखिए दोस्तों अभी हमने खा लिया अभी हाथ वगैरह और अंदर में वॉशरूम देखा ना मेरा लड़की लोग कहाँ में है अंदर में अभी हम सब ने तो खा लिया अभी जेरी लोग को थोड़ा देखता हूँ कहाँ है जेरी ओए जेरी कहाँ है कहाँ है जेरी कहाँ है अरे कौन है ये अरे कौन है ये अरे एकदम बढ़िया यार मस्त लग रही हो पहचान में नहीं आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह किसका इसका अच्छा बहुत बढ़िया खुद अरे बहुत बढ़िया यार एक तो बना दो इसके लिए भी सेम टू सेम हाँ बढ़िया है अरे दीदी को ये बढ़िया है ये कलर भी बढ़िया है लेकिन तेरे पे ये कलर बहुत जच रही है तो अभी खाना वाना भी खा लिया दोस्तों यहाँ पे हम लोग अभी बाहर निकले थे दीदी लोग का ड्रेस तो भाई बहुत ही गजब और जेरी और मैंने अभी जस्ट एक रील बनाया बहुत ही खूबसूरत हुआ तो आप लोग जरूर से फॉलो कर लेना @ रूपम बाबूरा में तो आप लोग को वहाँ पे इंस्टाग्राम पे नए नए पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे रील्स देखने को मिलेंगे है कि नहीं जेरी अभी ये लोग को देखो वाह बढ़िया से खाओ रे लुसा हाँ थोड़ा मोटी होना है ठीक है और हमारा नई नई दुल्हन बढ़िया से खाओ हाँ और सभी लोग बढ़िया से खाओ क्या क्या है चिकन चिकन हाँ खा लो अच्छा खाओ ओए मेरा बीवी को चोरी कर लिया रील्स बनाने के लिए हाँ चोरी कर लिया सुंदर लग गया था रुको तेरा शादी होने दो उसके बाद हम चोरी करेगा चलो चलो इधर कैमरा वोमेन इधर 3 2 1 वाह हो गया रीलर मिस्टर रीलर ओ यहाँ पे देखिए सुंदर सुंदर नारिया बाप रे भाई एक से भरकर एक खूबसूरत नारिया यहाँ पे रहती हुई है फोटो खिंचाने के लिए अच्छा ठीक है
मेरे को कैमरामैन बना दिया ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफी मस्ती कर लिया दोस्तों, रील्स वगैरह बनाया, बहुत ही मजा आया। तो अभी हम लोग जाएंगे, ठीक है ब्रो, कल मिलते हैं, कल जरूर आना जेम्स ब्रो, कल जरूर आना मेरे घर पे, ठीक है। हाँ ठीक है, बाय बाय लिसा, बाय बाय ब्रो, जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, बाय 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 बाय। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे ट्रिपल राइडिंग, ये लोग जाएंगे क्योंकि मैं आते वक्त इन लोग के साथ आया था, और हम दोनों मियाँ बीबी यहाँ पे जाएंगे। चलो दोस्तों, हम लोग घर पहुँच चुके हैं और बुज्जी हम लोग का वेलकम कर रहा है। बुज्जी हाँ, वेलकम वेलकम। और यहाँ पे देखो दोनों बहनों को पूरा सुबह से पूरा साथ में खेल रहे हैं। क्या है ये, बैलून? अरे अभी बिल्कुल रात हो चुकी है दोस्तों, तो आज दिन भर कुछ ना कुछ खा रहे हम लोग। अजमेर ब्रो के इधर में ठीक से खाया आज ईद में पेट भर के, बट डिनर तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो उसके लिए जेरी यहाँ पे स्पेशल बना रही है बॉयल, बॉयल बनाएगी। क्या क्या है इसमें? इसमें है कैरोट, कैरोट कुम्बर एंड पोटेटो, ये तीनों का मिक्स। हम लोग रोटी भी नहीं खाएंगे, चावल भी नहीं खाएंगे, ये बॉयल करके खाएंगे ना, पूरा हेल्दी हेल्दी ना एकदम। हो गया तैयार, अब इसे बस नमक दे के बॉयल करेंगे। पहली बार ऐसा डिनर होगा रे हम लोग का, याद रखेंगे। चलो बॉयल करो, उसके बाद खाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग का बॉयल हो चुका है, तो अभी करते हैं हम डिनर, छोटा मोटा डिनर, बस यही खाएंगे और कुछ नहीं। और यहाँ पे एक ट्रेडिशनल बिस्किट है, वो भी खाऊंगा, अभी खा रहा हूँ दोस्तों। देखिए हेल्दी सा डिनर, ये देखिए बस इतना काफी है मेरे लिए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, अभी मैं डिनर करूंगा। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया था, स्पेशली जब अजमेर के घर पे गए, जेरी ने जब दुल्हन वाली ड्रेस लगाई भाई बहुत ही मजा आया, बहुत क्या खूबसूरत लग रही थी, और हम लोगों ने बहुत खूबसूरत से रील्स बनाए। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे रूपम बाबूरा जरूर से आप लोग फॉलो कर लेना, आप लोग वहां पे जो है अच्छे अच्छे रील्स और पोस्ट वगैरह देख सकते हो। तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ।